हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, जिसे हिंदी कहते हैं, कक्षा छठवीं की। इस वीडियो में हम यहाँ पर 2024-25 में जो आपको पुस्तकें मिली हूँ इसका हल देखने वाले हैं। यह हमारा अध्याय होने वाला है, यानी पाठ होने वाला है 12, जिसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसके हम क्वेश्चनों को लगाएंगे। यदि आपने पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर, उसके लास्ट में जो एक वीडियो चलेगा इसी वीडियो में, तो उसको आप देखकर एक से लेकर जितने भी आपके पार्ट हैं टोटल कंप्लीट करवा रखे हैं तो सबका हल मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट जो आपका दिया है 12, उसका पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आपका एक, निक, बै या इत। तो इसका सही हो जाएगा, आप लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पर तो एक लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सेकेंड, तो क्या दिया गया देखिए, यहाँ लिखा है आपका सेकेंड, अणु शक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? ऑप्शन है सी वी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम या बीरबल साहनी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तीसरा है, अणु शक्ति का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपका यहाँ पर अणु बम बनाने के लिए, शांति एवं रचनात्मक कार्यों में, या आयुध निर्माण में, या कृषि कार्यों में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है चौथा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो ऑप्शन आपके दिए हैं इंग्लैंड, मुंबई, जिनेवा या फिर आपका बेंगलोर। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा पाँचवा, तो यहाँ पर ये दिया गया है आपका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं चार, तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं आपके, तो आइए इनको लगाते हैं क्या क्या दिया है देखिए। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान भरने के लिए सब दिए गए हैं, इन्हीं को आपको छांट कर भरना है इनमें। तो पहला आपका रिक्त स्थान दिया गया है, से लाखों लोगों की जान चली जाती है, तो किससे? तो इसका हो जाएगा अणु बम से। अगला है आपका, डॉक्टर भाभा ने अणु शक्ति केंद्र की स्थापना की थी, तो कहाँ हो जाएगा? ये ट्रांबे में हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर भाभा को संगीत के अतिरिक्त का भी शौक था, तो ये हो जाएगा चित्रकला। अगला है, भारतीय विज्ञान संस्था शहर में स्थापित की गई, तो यहाँ पर हो जाएगा बेंगलोर। मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध कराने वाली जो क्रिया होती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है आपकी? सहायक क्रिया। तो आप मिला लीजिए एक एक से, तो पहले में आपको भरना है अणु बम, दूसरे में आपको भरना है यहाँ पर ट्रांबे, तीसरे में आपको भरना है यहाँ पर चित्रकला, और चौथे में आपको यहाँ पर भरना है बेंगलोर, और लास्ट में आपको भरना है सहायक क्रिया। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन 11वां। तो यहाँ पर ये रहा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्था नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई थी? तो अणु शक्ति के संरचनात्मक प्रयोग के लिए। अणु शब्द का अर्थ क्या होता है? जो परमाणुओं से मिलकर बना हो, उसे अणु कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिखा है सु प्लस गंध मतलब होता है सुगंध, इसी प्रकार सु के उपसर्ग का प्रयोग कर दो और नवीन बनाने हैं आपको, तो ये हो जाएगा आपका सु प्लस मार्ग बराबर सुमार्ग, और सु प्लस पुत्र बराबर हो जाएगा सुपुत्र। अगला है, ई प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाने हैं आपको, तो आइए इनके देख लेते हैं। तो पहले हम लगाएंगे राष्ट्र प्लस ई, ठीक है, तो ये ई वाला, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय। इसी प्रकार भारत प्लस ई करेंगे तो हो जाएगा भारतीय, यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो इनके आंसर लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है डॉक्टर भाभा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आंसर इसका, बचपन में नींद ना आने के कारण वे रोते थे, इसलिए उनके जो पिताजी थे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए उन यहाँ पर पिताजी ने उन्हें ग्रामोफोन दिया, जिसे सुनकर उनमें संगीत के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 16, ये हमारा 19वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में लिखा हुआ है वैज्ञानिक प्रगति के संग्राम यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको, ठीक है, विचार लिखना है। इसका हो जाएगा 1857, यहाँ पर शक्ति केंद्र का निर्माण हो जाने के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग पहला बड़ा विद्रोह था। इसे इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम,
तो 17वां कहा जाता है पर ये हुआ है स्वतंत्रता की इच्छा और देश प्रेम का ये लगा डॉक्टर भाभा को लंदन की बना रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया। इसमें आपको लिखना है, लिखेंगे हम भारत की किसी रहा आपका एक वीरांगना के बारे में पांच बात तो हम लिखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाएगा भारतीय रानी लक्ष्मीबाई बहुत कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया स्वतंत्रता की साक्षी बात अगला है आपका 18वां क्वेश्चन डॉक्टर भाभा के जीवन ढाल तलवार और कटारी क्रम से सहेली थी करना है तो ये हो जाएगा और युद्ध कौशल की कहानियां आज भी प्रसिद्ध है उन्हें मर्दाना भेस बनाकर उन्होंने मर्दाना भेस बनाकर अंग्रेजों का डटकर विद्यालय से उन्होंने गणित में डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं आपका तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर लिख लेने हैं तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये 20वां है 19वां है क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखा है आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे इसके बारे में आपको लिखना है तो यहाँ पर ये आंसर लिख देंगे आप यहाँ पर उन्हें संगीत के साथ साथ नृत्य चित्रकला को भी रुचि थी मतलब इनमें के भी रुचि थी उनके बनाए चित्र आज भी उनकी कला की याद दिलाते हैं। एक बार उन्होंने गौशाला की गाय और बछड़े का एक सुंदर चित्र बनाया जिसकी लोगों ने प्रशंसा की टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरी और कैमरों यहाँ पर गैलरियाँ और कैमरों में सजे चित्र एवं वहाँ के भगवान उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर यहाँ पर संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 20 वाला तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप तो इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है अणुशक्ति का प्रयोग से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानियाँ होती हैं ये लिखना है आपको तो ये लाभ लिखेंगे आप अणुशक्ति से यहाँ पर अत्यधिक ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है कार्बन यहाँ पर उत्सर्जन कम होता है और ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रहती है यह दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए भी अच्छा है। हानियां क्या होती हैं रेडियो धर्मी अपशिष्ट की समस्या होती है संभावित यहां पर दुर्घटनाएं गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं निर्माण लागत अधिक होती है एवं परमाणु जो हथियार होते हैं हथियारों का खतरा बढ़ता है तो ये आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमें सभी एटगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे तो आपको क्या करना है जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट इस प्लेलिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे वो देख